हमें जी कम से कम 45 साल हो गए हैं श्रीनगर का काम करते हुए। जितना मंदा इस बार देखा है हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। सबसे पहले नोटबंदी का असर हुआ, व्यापार खत्म हो गया नोटबंदी से। उसके बाद जो बचा था वो जीएसटी ने खत्म कर दिया और बाकी जो है अब 370 लगा के जो है कश्मीर का बिल्कुल सत्यानाश हो गया है। बाकी बात तो यह है कि जहाँ हुक्मरान हो जालिम तो वहाँ फरियाद क्या करना है, कोई फरियाद नहीं है ट्रांसपोर्टर की। तीन सौ सत्तर से कैसे क्या लॉस हुआ है? मतलब 370 से आपने कहा 370 में अभी तक मार्केट 4 महीने हो गए, टोटल मार्केटें बंद है वहां पर, कोई व्यापार नहीं चल रहा, कोई व्यापारी आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। जब व्यापारी नहीं आएगा दुकानें बंद होगी, ट्रांसपोर्टर माल क्या बुक करेगा। 4-4 महीने हो गए हमें बिल्कुल खाली बैठे हुए, कोई काम नहीं है। तो सर्वाइव किस तरह से कर रहा है ट्रांसपोर्टर जो है? पिछले कमाए हुए वो खत्म कर रहे हैं।